गुड लेट्स हिंदी में आपका स्वागत है आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के good afternoon, good afternoon. आज के क्लासेस की गुड गुड का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली हमने डायग्राम बेस्ड सॉल्व करने की कोशिश की आज हमने कोई थ्योरी नहीं बनाई है आज मैं सारी बातें खुद वर्बली बताऊंगा और डायग्राम बेस्ड ही हम उसे एक्सप्लेन करेंगे आज का टॉपिक है लानिना या अल नीनो एवं लानिना ये शब्द पूरे ज्योग्राफी में इंडियन मानसून में कई बार आता है आइए देखते हैं किस प्रकार के शब्द हैं और किस प्रकार की बातें इसमें होती हैं करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर मिस मत करिएगा बिल्कुल हर चीज उसमें आपको मिल जाएगी आज का हमारा टॉपिक है सीधी बात नो बकवास में हम बात करने जा रहे हैं अल नीनो और लानीना की अल नीनो और लानीना क्योंकि पूरे ज्योग्राफी में ये शब्द कई बार और कई तरीके से इंपॉर्टेंट होता है अल नीनो और लानीना पर कई बार सवाल हमें मिलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्योंकि इंडियन मानसून से जुड़े हैं तो इनका संबंध कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जीएस से भी रहता है सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अल नीना ला नीनो ये जितनी भी हम बात करने जा रहे हैं ये समुद्री जलधारा की बातचीत है यह सारी चर्चाएं समुद्री जलधारा की हैं आज हम इसके प्रभावों का कोई वर्णन नहीं करेंगे हम केवल और केवल समझेंगे कि यह अलो शब्द क्या होता है तो अलिनो शब्द का मतलब हम पहले समझने से पहले एक सामान्य परिस्थिति में आप लोगों के सामने दर्शा रहा हूं सामान्यतः क्या होता है कि जो व्यापारिक पवने चलती हैं तो इन व्यापारिक पवनों के चलने के कारण समुद्र का ऊपर का पानी लगातार इन व्यापारिक पवनों के कारण हम कहेंगे कि लगातार पूर्व से पश्चिम की तरफ शिफ्ट होता है और आप देखेंगे कि इस वाली जगह पर गर्म पानी का संग्रहण हो जाता है तो सामान्य परिस्थिति में व्यापारिक पवनों के व्यापारिक पवनों के चलने के कारण समुद्र का गर्म पानी समुद्र का गर्म पानी किसी भी महासागर का गर्म पानी महासागरीय महासागर के पूर्वी भाग से महासागर के पश्चिमी भाग में जमा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म पानी और यहां पर क्योंकि ऊपर का पानी चला गया तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है क्योंकि ऊपर का पानी तो शिफ्ट कर दिया गया तो सामान्यतः यहां पर हमें ठंडी जलधारा मिलती है क्योंकि ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये प्रशांत महासागर की चर्चाएं हैं ये प्रशांत महासागर की चर्चा है तो प्रशांत महासागर में पेरू के पास यहां पर पेरू इक्वाडोर है पेरू के पास एक ठंडी जलधारा मिलती है जिसे पेरू जिसे पेरू की ठंडी जलधारा या हमबोल्ट की ठंडी जलधारा भी कहते हैं जिसे पेरू या हमबोल्ट की ठंडी जलधारा भी कहते हैं तो सामान्य में, स्थिति में व्यापारिक पवनों के कारण समुद्र का ऊपरी पानी पूर्व से पश्चिम की ओर जमा हो जाता है और परिणाम स्वरूप प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास नीचे का ठंडा पानी ऊपर आते हुए बहता है इसे शीत जल उद्वेलन कहा जाता है जो नीचे से पानी आ रहा है और यहां मिलने वाली जो समुद्र की ठंडी जलधारा है उसे पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहते हैं मतलब सामान्य परिस्थिति में सामान्य परिस्थिति में सामान्य परिस्थिति में हम कहेंगे कि पेरू के तट पर Osionfish. हम कहेंगे कि पेरू के तट पर पेरू के तट पर हमें एक ठंडी जलधारा मिलती है एक ठंडी जलधारा मिलती है जिसे हम कह सकते हैं कि वो पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है ठंडी जलधारा है लेकिन कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि व्यापारिक पवने कमजोर हो जाती हैं व्यापारिक पवने कमजोर हो जाती हैं व्यापारिक पवने कमजोर हो जाती हैं व्यापारिक पवने कमजोर हो सकती है सूर्याताप न मिलने के कारण दाबांतर बेहतर न होने के कारण सूर्य में उठने वाले चुंबकीय तूफानों के कारण कभी कभी सूर्याताप पृथ्वी को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है औसत की तुलना में वो कम मिलता है अब व्यापारिक पवने कमजोर हो जाने के कारण जो लगातार गर्म पानी जमा हो रहा था या लगातार पानी विस्थापित हो रहा था पूर्व से पश्चिम की ओर यह घटना बंद हो जाती है और घटना बंद हो जाने के कारण सामान्यतः यहां पर यहां पर जहां की ठंडा पानी मिलता है गर्म पानी की उपस्थिति दर्ज होती है एक गर्म पानी की जलधारा या पेरू की ठंडी जलधारा की जगह पर गर्म पानी की जलधारा मिलती है इसी को अल नीनो कहा जाता है इसे एक छोटा बच्चा छोटा बच्चा या फिर हम कह सकते हैं कि ये 25 दिसंबर के आसपास की घटना होती है क्रिसमस के समय की घटना होती है और इसी कारण से अल निनो अल निनो को जो हम कह सकते हैं इनका छोटा बच्चा भी कहा जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि अल नीनो सामान्य की जगह पर सामान्य ठंडी जलधारा की जगह पर एक गर्म जलधारा का मिलना या सामान्य से अधिक तापमान के पानी का मिलना पेरू के तट पर अल नीनो कहलाता है अल नीनो कहलाता है अल नीनो का ये जो छोटी सी घटना हो रही है न केवल प्रशांत महासागर को प्रभावित करता है बल्कि हिंद महासागर में भारतीय मानसून को भी प्रभावित करेगा क्योंकि ये दिसंबर से चलने वाली घटना अप्रैल और मई तक चलती है अप्रैल और मई तक चलती है और इसी कारण से क्योंकि अप्रैल और मई में यहीं पर पड़ोस में हमारा इंडियस इंडस ओशियन हिंद महासागर है अब सोचो कि हिंद महासागर में यहां पर गर्म पानी होने के कारण यहां पर निम्न दाब हो जाता है और जो हिंद महासागर की हवाएं जो भारत की ओर आनी चाहिए थी वह इस ओर शिफ्ट हो जाती है परिणाम स्वरूप इस की स्थिति में अर्जेंटीना जहां कभी वर्षा नहीं होती होती वर्षा वर्षा है अटकामा में हो जाती है जहां पर भी कभी वर्षा नहीं होती है हिंद महासागर जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा काफी ज्यादा होती है मानसूनी वर्षा यहां पर नहीं मिल पाती है तो अलिनो को 25 दिसंबर के आसपास ये होता है इसे जीसस क्रिस्ट का बच्चा भी कहा जाता है और अलिनो अलिनो पेरू के तट पर सामान्य सामान्य ठंडे पानी की जगह पर गर्म पानी की उपस्थिति या गर्म धारा का मिलना अलिनो कहलाता है और ये हो सकता है व्यापारिक पवने कमजोर हो गई हो व्यापारिक पवने कमजोर होने का कारण हो सकता है सूर्याता कम मिला हो अलिनो की स्थिति में जहां पर पहले सामान्य स्थिति में ठंडा पानी और यहां पर गर्म होता था अलिनों की स्थिति में यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है और गर्म पानी यहां पर मिलने लग जाता है और यहां पर पानी उतना गर्म नहीं होता है सामान्य परिस्थिति से कम तापमान का पानी आ जाता है तो अलिनो की स्थिति अलिनो की स्थिति जब भी होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर साल होगा जब भी सूर्याताप कम होगा जब भी पृथ्वी में व्यापारिक पवने धीमी पड़ जाएगी तब इस प्रकार की घटना होने की उम्मीद होती है और इसके कारण पूरे प्रशांत महासागर और पूरे हिंद महासागर की जलवायु पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं या हम कह सकते हैं कि वर्षा वाड़्ष, पर जिन जगहों पर वर्षा नहीं होती है वहां ज्यादा और जिन पर नहीं होती थी जहां पर वर्षा ज्यादा होती थी वहां कम होने लग जाती है फिर इसी टाइप में कभी कभी ला नीना सामान्यता तो देखा गया लानीना मतलब छोटी बच्ची ये वहां के जो भी नाविक हैं अर्जेंटीना के पास के उन्होंने स्पेनिश भाषा में इन शब्दों को यूज किया है ला नीना का मतलब होता है छोटी बच्ची सामान्य माना जाता है कि अल नीना जब भी आएगा अल नीनो जब भी आएगा उसके बाद ला नीना ही आता है ला नीना आता ही है तो अल नीनो के बाद ला नीना आता ही है और क्या स्थिति है ला नीना का मतलब क्या कहेंगे हम लोग तो ला नीना का सामान्य सा मतलब रहेगा कि कभी कभी सूर्याताप ज्यादा भी तो हो सकता है यदि सूर्याताप औसत से कम हो सकता है लालो तो सूर्याताप ज्यादा भी तो हो सकता है कभी कभी सूर्याताप ज्यादा हो जाने के कारण व्यापारिक पवने बहुत ही तीव्र हो जाती हैं और व्यापारिक पवनों के तीव्र हो जाने के कारण यह जो पानी लगातार शिफ्ट हो रहा था बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में यह महासागरों के पश्चिमी किनारों पर गर्म पानी जमा होता है और बिल्कुल यहां जो ठंडा पानी मिलता था उससे भी ज्यादा ठंडा पानी मिलता है इसका मतलब लानीना ला नीना सामान्य परिस्थिति से भी अधिक ठंडे पानी की धारा है अधिक ठंडे पानी की धारा है अधिक ठंडे पानी, पानी की धारा है सामान्य परिस्थिति से भी जब पानी अधिक ठंडा हो जाता है उसे लानीना कहते हैं ये छोटी बच्ची का ट्रांसलेशन है तो ये जनरली जनरलीनो जिस साल आएगा उसके अगले साल माना ही जाता है कि ला नीना आएगा ही ये जनरली जुड़ा हुआ होता है और ला नीना अच्छा माना जाता है क्योंकि ला नीना उसी स्थिति को मजबूत कर रहा है जो सामान्य परिस्थिति है इस कारण से भारतीय मानसून की वर्षा बढ़ जाती है इस कारण से अटकामा का क्षेत्र जो है वो बिल्कुल सूखा हो जाता है और याद रखना जहां ठंडा जल निकलता है वहां पर भोजन या प्लवक ऊपर आ जाते हैं इसलिए यहाँ पर मछलियों का उत्पादन भी होता है तो ऐसी परिस्थिति में लानिना की परिस्थिति में सामान्य परिस्थिति में अर्जेंटीना के किनारे पर मछली उत्पादन काफी होता है लेकिन अलिनो की स्थिति में अर्जेंटीना का मछली व्यापार तबाह हो जाता है और मछलियों का उत्पादन या मछलियों की प्राप्ति बहुत ही कम होती है तो अलीना ला नीना में अलनीना गर्म पानी की धारा है जहां सामान्य रूप से ठंडा पानी मिलता था और अगर लानिना की बात करें तो और भी ठंडे पानी की धारा है अगर मैं अलिनो और लानिना का अंतर बताऊं, तो अलिनो और लानिना, अल और लानिना के अंतर की अगर हम चर्चा करें तो यह गर्म पानी गर्म पानी है पेरू के तट पर यह अत्याधिक ठंडा पानी है अत्याधिक ठंडा पानी है पेरू के तट पर व्यापारिक पवनों के कमजोर होने के कारण ऐसा होगा ऐसा व्यापारिक पवनों के तीव्र होने के कारण होगा इससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाएगा इससे भारतीय मानसून मजबूत हो जाएगा इससे हम कहेंगे कि यह सामान्य यह सामान्य परिस्थिति की विपरीत परिस्थिति है यह सामान्य परिस्थिति का बेहतर रूप है बेहतर रूप है ऐसी परिस्थिति में सूखे क्षेत्रों में सूखे क्षेत्रों में वर्षा होती है और वर्षा क्षेत्र सूखा हो जाता है इसमें अधिक वर्षा होती है और भारत में बाढ़ की संभावनाएं या फिर हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जगह ऑस्ट्रेलिया में भी बाढ़ आने की उम्मीद होती है लानीना के कारण हम यहां पर एक और बात बता दें कि अलनिनो के कारण मछली उत्पादन कम हो जाता है जबकि लानीना के कारण मछली उत्पादन बढ़ता है तो यदि यदि ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो अलिनों के आने की संभावना अलिनों के आने की आवृत्ति बढ़ सकती है यही एक डर ग्लोबल वार्मिंग में देखा जा रहा है तो अलनिनो लानीना दोनों समुद्री जल धाराएं हैं और इन दोनों समुद्री जलधाराओं में जो तापा ताप का अंतर होता है इस कारण से इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं यहां एक इंपॉर्टेंट बात सभी लाल लालियों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलो साउथ ऑक्सीलेशन आप कहते हैं लालो अलिनो साउथ ऑक्सीलेशन कहते हैं तो अलनिनो का संबंध समुद्र से है और साउथ ऑक्सीलेशन का मतलब वायुमंडल से है कि यहां पर उच्च दाब और निम्न दाब क्योंकि जब अलो आएगा तो यहां पर निम्न दाब आ जाता है और यहां पर उच्च दाब आ जाता है सामान्यतः यहां पर उच्च दाब और यहां पर निम्न दाब मिलता है तो वायुमंडलीय दाबांतर में जो सीसो की स्थिति मिलती है तो वायुमंडल और समुद्र दोनों का मिश्रण इनसो कहलाता है उसे मैं कभी सीधी बात नो बकवास में अलग से बताऊंगा लालो लेकिन अल नीनो और ला नीना ये दोनों शब्द आज का टारगेट था कि अल नीनो का मतलब है पेरू के तट पर सामान्य से ज्यादा सामान्य से ज्यादा गर्म पानी और ला नीना का मतलब पेरू के तट पर सामान्य से ज्यादा ठंडा पानी बाकी इसके इसके अलावा इसमें कुछ मत सोचिएगा हाँ, प्रभाव बहुत ज्यादा है कभी हम डिटेल में उसे जिक्र करेंगे लेकिन आज का हमारा टारगेट था कि अल नीनो और ला नीनो वाली शब्दावली आपके समझ में आ जाए कल हम लेकर आ जाएंगे एक बहुत बड़ा शब्द जो इकोनॉमिक्स में बहुत बार बार परेशान करता है और कई लाल लाली इस बात से परेशान होते कि मास्टर उस शब्द को समझाता इसलिए नहीं है क्योंकि कहता है कि हम भविष्य में जब पढ़ेंगे तब इसे डिटेल से देखेंगे तो आखिर भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम जानते हैं आखिर ये होता क्या क्या है है बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन शब्द का संबंध क्या है? कल हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन शब्द का तात्पर्य बाकी धीमे धीमे हम इसमें शब्द भी जोड़ेंगे उससे घबराइएगा नहीं नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत बाय गुड डे